आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार, हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ एचटी न्यूज में। और जहाँ होली खत्म हो चुकी है लेकिन होली मिलन समारोह का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, वहीं राजधानी के कॉमन हॉल दारुसभा में शाक्यदीप महासभा ने की होली मिलन समारोह। देखिए एक रिपोर्ट। जो प्रचार मंत्री है इस अखिल भारतीय जनता कांग्रेस अजय मिश्रा है, मैं ग्राम कंजा मिश्र, तहसील हरिया बस्ती का रहने वाला हूँ। और उद्देश्य होली मिलन का ये है कि एक तो ब्राह्मण समाज, शाक्यदीप ब्राह्मण समाज संख्या में कम है लखनऊ में, शादियाँ आपस में परिवार में ही होती हैं, बहुत से हम लोगों के बच्चे शादी योग्य होते हैं, लड़के शादी योग्य होते हैं, लड़कियां शादी योग्य होती हैं, उनको आपस में एक मिलान करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम का समय समय पे आयोजन करते रहते हैं। और इसमें यही है, हम लोग एक पत्रिका भी छापते हैं जिसमें कि शादी योग्य लड़कों का, शादी योग्य लड़कियों का, उनके पते का, और उसमें जो पूर्व होती है, गोत्र होता है, वो सब छपता है, जिससे कि लोगों को ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, इसका वो निर्वहन कर सकते हैं और कर लेते हैं। तो आज होली मिलन समारोह में कितने जिलों से लोग आए? ये चूँकि अखिल भारतीय है तो होली समारोह में मुझे लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, गोंडा बहराइच बिहार के लोग भी हैं, गोरख के तो ज़्यादातर यूपी के ही हैं, लेकिन बाहर से भी प्रतिनिधि इसमें आते हैं, आए हैं। और चूँकि कार्यक्रम आज का हमारा एक कार्यक्रम गोरखपुर में भी चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी से लोग बट गए हैं, कुछ वहाँ हो गए हैं, अन्यथा भीड़ रहती है। एक्चुअली क्षेत्रीय संयोजन भी इसका होता है और प्रदेश स्तरीय भी होता है, तो अगर कहीं क्षेत्रीय किसी दिन टकरा गया तो फिर उस क्षेत्र से लोगों की संख्या कम हो जाती है। तो अपने समाज के लोगों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? नंबर एक अपने समाज को यही है कि अपने समाज की उन्नति के लिए हर व्यक्ति प्रयास करें और अपने समाज की को राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, ये जो भी है वो जागरूकता हो। होली मिलन समारोह के अवसर पर अपने समाज के सभी स्वजन बंधुओं को समाज की तरफ से, मेरी ओर से, आए हुए अतिथियों की ओर से सबका तो आभार ज्ञापित करता हूं और संदेश देता हूं कि आपस में मिलजुल करके, एकता के साथ, भाईचारा बना करके, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं और देश की उन्नति और विकास के लिए, समाज की उन्नति और विकास के लिए कार्य करें, यही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और ये संस्था निरंतर कई वर्षों से ये सब कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करती चली आ रही है और लगातार उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ रही है। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हमारी खबरें आपको कैसी लगती।